फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। और आज हम बनाने वाले टिकटॉक, नहीं नहीं वो टिकटॉक नहीं, वो तो बैन हो चुका है। आज बहुत इंटरेस्टिंग गेम है यूके चैंप्स की तरफ से, जिसका नाम है टिकटॉक टिक। जो एज है वो है 4 to 12, प्लेयर्स है 1 to 4, यानी कि 1 से 4 प्लेयर खेल सकते हैं। और इसमें टाइम लगता है 5 to 15 मिनट्स। और ये गेम आता है यूका चैम्प्स की तरफ से। गाइज, इस गेम के जरिए ना बच्चे बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ना टाइम देखना सीख जाते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो चलिए गाइज, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें रिसीव होती है, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मिलेगा आपको एक रिवॉर्ड चार्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है रूल बुक, जिसमें बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है कि आपको गेम किस तरह से खेलना है, सेटअप एंड ऑल डिटेल्स। आपको यहाँ पे स्टार मिलता है आपको रिवॉर्ड चार्ट के लिए। और यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं, टोटल 72 टाइम कार्ड्स। और जिस तरह से मैंने बताया गेम है 1 to 4 प्लेयर का, हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली एक एक क्लॉक मिलता है। तो ये है इस गेम के कंपोनेंट्स। तो चलिए देखते हैं इस गेम को खेलना किस तरीके से, सेटअप क्या है और गेम के जरिए हम क्या सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टिकटॉक टिक। सेटअप से पहले ना मैं आपको कुछ कार्ड्स का डिटेल बताना चाहूंगी। आप देखो यहाँ पे ना कार्ड्स के अलग अलग डिफरेंट कलर है। ये है ब्लू में, और कुछ यहाँ पे आते हैं येलो, और कुछ यहाँ पे है रेड में। गाइज, अगर बहुत छोटे बच्चे अगर टाइम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस गेम के जरिए उनको टाइम देखना सिखा रहे हो, तो आप ये ब्लू कार्ड से स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ही इजी लेवल है ये। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत इजीली ये सॉल्व कर पा रहे, तो उनका लेवल अपग्रेड करने के लिए आप उनको जो येलो वाला कार्ड है उसके साथ में आप खिला सकते हो। मींस आपको ब्लू और येलो दोनों को मिक्स करना है, अच्छे से शफल करना है, और तब आप उनको ये गेम खिला सकते हो। और गाइस, जो रेड कार्ड है, रेड टाइम कार्ड, ये एडवांस लेवल है, जिसमें आपको टाइम मिलता है यहाँ पे 24 आवर्स का। तो अगर आप बच्चे आपके सीख गए बहुत अच्छी तरीके से, तो आप ये भी कार्ड को एक साथ में रख के आपको अच्छी तरह से शफल करके खिला सकते हो। ठीक है, तो आपको सेटअप में करना क्या है, सभी कार्ड को अच्छी तरह से शफल करना है, इस तरह से बीच में रखना है, और हर एक प्लेयर को, जितने भी प्लेयर गेम में खेल रहे हैं, सभी को अपना अपना इंडिविजुअल जो क्लॉक है वो आपको दे देना है। गाइज, अगर आप ध्यान दोगे ना क्लॉक पे, तो साइड में यहाँ पे आपको जो डेली का रूटीन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे क्या चीज करना बेटर रहेगा। काफी अच्छा और यूनिक आइडिया लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको सभी प्लेयर्स को यहाँ पे क्लॉक देने के बाद में टाइम कार्ड को इस तरह से मिडल में रखना है। तो ये हो गया आपका बेसिक सेटअप। तो चलिए देखते हैं गेम स्टार्ट कैसे होगा, उसको खेलना किस तरीके से है। गाइस, सभी आपको यहाँ डेक को फेस डाउन करके रखना, और जैसे ही गेम स्टार्ट होगा आपको जो फर्स्ट कार्ड है वो आपको यहाँ पे फेस अप करना है, और सभी प्लेयर्स ये टाइम देखेंगे, सभी बच्चे, और जिसे इसमें लिखा है 2:00, मतलब 2:00। तो सभी को क्या करना है, सभी बच्चों को एक साथ में 2:00 अपनी जो उनका जो पर्सनल क्लॉक है उसमें उसको सेट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये आर्स का कट है 2 पे आएगा, और जो ये मिनट का कट है ये आएगा 12 पे, मीन 0:00 पे। तो यहाँ पे आप उनको बता सकते हो इस तरीके से। तो जो भी प्लेयर, जो भी बच्चा सबसे पहले 2:00 यहाँ पे सही तरीके से उसके जो आर्स और जो मिनट के कटे है बराबर लेकर आ जाता है पोजिशन पे, तो वो ये राउंड जीत जाएगा, और ये जो कार्ड है वो प्लेयर को मिल जाएगा, मींस 1 पॉइंट उसका हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहा है, नेक्स्ट कार्ड रिवील होगा, और यहाँ पे 5:30। तो जो भी प्लेयर, सभी प्लेयर्स को सब साथ में करना है 5:30, और यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे सर्कल में जाएगा 30। ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे हो गया ये 5:30। तो जो भी प्लेयर का सबसे पहला होगा उसको एक कार्ड मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करते जाना है, टाइम सेट करते जाना है, जिसका सबसे पहला टाइम सेट करेगा उसको शो करना है, आपका अपना टाइम बताना है, और वो कार्ड उसको मिलता जाएगा। तो जब तक ये डेक खत्म नहीं होती तब तक ये गेम चलता जाएगा। तो कार्ड जैसे यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गेम है वो एंड हो जाएगा, और फिर सभी प्लेयर्स अपना अपना जो कार्ड है, टाइम कार्ड, वो काउंट करेंगे। जिस भी प्लेयर का सबसे ज्यादा कार्ड होगा वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है टिकटॉक टिक। ठीक है, तो आई होप आपको गेम अच्छी तरीके से समझ में आया हो कि आपको गेम में करना क्या, बहुत ही ईजी है। आप सोलो प्लेयर में आप क्या कर सकते हो इसमें, कि जितना भी जो डेक है आप उसको अच्छी तरह से फिनिश कितनी देर में करते हो। जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड मैंने फेस अप किया, तो आपको टाइम सेट करना है, और जैसे ही सेट किया तो आपको यहाँ पे रख देना है, फिर उसके बाद में फिर से फेस अप करना है, फिर से आपको टाइम सेट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो गेम है वो चलता जाएगा।
उसके बाद में खुद ही आप अपना जो लेवल अप करने के लिए आप देख सकते हो, आप अपना खुद का लेवल बीट करने के लिए आप कितनी देर में नेक्स्ट टाइम में कार्ड कम से कम टाइम में खत्म करते हो। तो इस तरीके से आप सोलो गेम भी खेल सकते हो टिकटॉक टिक को, ठीक है गाइस। इस गेम के जरिए ना आप बच्चों को रीडिंग और क्लॉक देखना अच्छी तरह से सिखा सकते हो। उनको जो यहाँ पे पावर मिलता है, स्पीड पावर मिलता है, मतलब वो बहुत ही जल्द फास्ट उनका माइंड यूज करके उस गेम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम क्या हुआ है, उसको जल्दी से अपना क्लॉक में सेट करते हैं, तो उनका स्पीड है बढ़ता है और बेसिकली इसमें डिसिप्लिन पावर भी उनको मिलता है। और ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ना रिवॉर्ड चार्ट दिया हुआ है कि बच्चों का आप बोल सकते हो कि वो ईटिंग टाइम है, स्लीपिंग टाइम, अगर वो ऑन टाइम करते तो आप उनको स्टार दे के उनको एनकरेज कर सकते हो टाइम पे खाने के लिए, टाइम पे सोने के लिए। तो काफी मुझे ये अच्छी बात लगी यूका चैम्स्की के, वो हर एक गेम के जरिए कुछ ना कुछ सिखाते हो। तो आप जब छोटे थे, आप अपनी उम्र में कितने, जब आप साल के थे, आपने टाइम देखना सीखा क्लॉक में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपने फर्स्ट टाइम कितनी एज में आपने टाइम देखा, 4 इयर्स में, 5 इयर्स में, या कब देखा है आपने। तो फन वे में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें, गुड हैबिट्स है, वो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। और गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी एज के थे जब आपने टाइम देखना सीखा। तो आई होप आपको गेम अच्छी तरीके से समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो अच्छा लगता तो मेक श्योर से लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और ये गेम अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके ना चेकआउट कर सकते हो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे भी, वहाँ पे जो हमारे गेम्स के अपडेट है वहाँ पे वो होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।